हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे इंडिया का मोस्ट पावरफुल एम्पलीफायर, सबसे ताकतवर एम्पलीफायर भी कह सकते हैं आप। और अभी तक आपके पास जो भी एम्पलीफायर होंगे उनसे भी पावरफुल ये एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर है। मतलब जिन्हें अभी तक वेट था कि भैया हमें बिल्कुल हाई पावर एम्पलीफायर चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हम अगर उसमें 4000 वाट, 4500 वाट यानी ड्यूल की बेस जो 4000 वाट की होती हैं वो तक चला पाएँ, तो आज ये वो वाला एम्पलीफायर है दोस्तों। आप इसे डीजे से लेके लाइव में दोनों तक यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा रहने वाला है ये एम्पलीफायर की आज अनबॉक्सिंग। टेस्टिंग भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, बेस की टेस्टिंग, यहाँ पे जो टॉप लगाऊंगा उसकी टेस्टिंग भी आपको देखिए कितनी क्वालिटी इसकी सुपीरियर होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ, यहाँ पे ये डबल बॉक्स पैकिंग में आता है। बेसिकली दोस्तों इसको मैं अभी दोबारा से इसको मैंने पैक कराया क्योंकि यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग दिखानी थी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर वाले पे मैंने कोई दोबारा पैकिंग किया, यहाँ पे डबल बॉक्स आता है तो अंदर वाले को मैंने सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक थर्माकोल देखने को मिल जाता है एक प्रॉपर सी पैकिंग के साथ, कुछ इस टाइप से होगा ये, इतना मोटा थर्माकोल होता है। और यहाँ पे मतलब एम्पलीफायर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी वेटेड है, तो मतलब मुझे आई थिंक उठा पाऊँगा। तो आप यहाँ पे एम्पलीफायर को देख सकते हैं, तो इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं हम आगे। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे ये एम्पलीफायर को देख सकते हैं, और काफ़ी लंबा एम्पलीफायर है और काफ़ी भारी एम्पलीफायर है, मतलब आप अकेले नहीं उठा सकते इस एम्पलीफायर को, आपको दो बंदे तो चाहिए होंगे, कम से कम दो बंदे तो चाहिए होंगे इसको उठाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रंट पैनल और बैक पैनल पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पैनल, और फ्रंट पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है, एनलैप्स की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये मॉडल नंबर है, बेसिकली दोस्तों इसका जो मॉडल नंबर है वो है X7। यहाँ पे ये BIS मार्क है दोस्तों, आपको तो पता ही है BIS मार्क होता क्या है, जो भी आपको इलेक्ट्रिक आइटम देखेंगे अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो उसके अंदर ये आपको BIS मार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे NOV1 NOV2 यानी चैनल 1 और चैनल 2 का यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। पावर प्रोटेक्ट सिग्नल और क्लिप यहाँ पे ये आपको जो LED लाइट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ग्रिल दे रखी है फ्रंट साइड बैक साइड दोनों की साइड आपको देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको दो दो यानी दो फैन आगे की साइड और दो फैन पीछे की साइड, बेसिकली तो ये काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे इसके अंदर 4 फैन का यूज़ करा गया है, काफ़ी बड़े फैन मेरे को देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं यहाँ पे पीछे की साइड भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बैक साइड एम्पलीफायर के, यानी बैक साइड आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आती है इसकी पावर पोर्ट, जो कि काफ़ी हैवी पावर पोर्ट है, यानी मतलब बहुत ज़्यादा मोटी, और लेंथ भी इसकी अच्छी मुझे देखने को मिल रही है। रीसेट का यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं, साथ के साथ ये आते हैं टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के, यहाँ पे आपको सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप स्पीकर का यूज़ करना नहीं चाहे तो यहाँ पे ये आपको टर्मिनल्स वायर वाली भी देखने को मिल जाती है। यहीं आप देख सकते हैं ये मोड्स हो गए, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं मोड स्विचेस, साथ के साथ ये एनलैप्स की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको इसके अंदर आप बैलेंस्ड अगर इनपुट करते हैं XLR से तो बैलेंस्ड ही आपको आउटपुट भी मिलेगा, तो ये XLR इन और XLR आउट भी आपको देखने को मिलता है। मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है X7, फैन 1 और फैन 2, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है, तो उसके अंदर 4 फैन यूज़ करे गए हैं, वो भी काफ़ी बड़े एम्पलीफायर, यानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे फैंस जो है इसके अंदर यूज़ करे गए हैं। तो चलते हैं यहाँ पे और डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखी फ्रंट पैनल और बैक पैनल को क्या क्या डिटेलें देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम्स की क्वालिटी है, और यहाँ पे जो आपके फैंस हैं ये सारे अच्छी क्वालिटी के अंदर इसके यूज़ करे गए हैं, यानी जो फैंस की जो मतलब साइज अगर आप देखेंगे एक्चुअल में तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े साइज़ के फ़ैन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कूल डाउन काफ़ी अच्छे हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितना पावरफुल एम्पलीफायर है, क्या है इसकी पावर रेटिंग, तो यहीं अगर मैं बात करूँ 8 ओम्स की यानी पर चैनल की 8 ओम्स की पावर 1800 वाट, यहीं अगर मैं बात करूँ 4 ओम्स की यानी आपको पर चैनल पर जो 4 ओम्स की पावर देखने को मिलेगी वो मिलेगी 3500 वाट, यहीं अगर मैं बात करूँ इसकी जो 2 ओम्स की, यहाँ पे 2 ओम्स पे भी रिकमेंडेड है तो 2 ओम्स पे भी आप चला सकते हैं 4000 वाट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहीं अगर मैं और
आगे अगर आपको ब्रिज पे भी इसको चलाना चाहे, यानी आपके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बेस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पीकर है, तो यहाँ पे आप ब्रिज पे यानी जो 21 इंची होते हैं, यहाँ पे आपके पास जो 24 इंची स्पीकर होते हैं, अगर वो हैवी स्पीकर आपके पास, अगर आप उसकी ड्यूल के बेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ब्रिज पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूँ ब्रिज की, तो यहाँ पे आपको 8 ओम्स में मिल जाती है 6500 वाट, यानी एक चैनल, यानी अगर आप दो चैनल को डिवाइड कर देंगे अगर ब्रिज के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक चैनल की आउटपुट वो मिलेगी यहाँ पे 6500 वाट। यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर आपको 4 ओम्स पे चाहिए, यानी अगर आप 4 ओम्स पे चलाना चाहते हैं, तो 4500 वाट आपको ये दे देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर मुझे लगा। यहीं अगर मैं बात करूँ डैम्पिंग फैक्टर की, तो यहाँ पे आपको 200 डैम्पिंग फैक्टर देखने को मिलता है, वो मिलता है 800, क्लास एच के अंदर आता है, क्लास एच का एम्पलीफायर है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी जो अंदर के मैकेनिज्म है, बोर्ड्स है, वो किस टाइप के बनाए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये SFT सर्किट बोर्ड के साथ आते हैं, यानी इजीली रिपेयरेबल होते हैं। बाकी ये तो 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ आपको देखने को मिल जाता है, यानी जितने भी अभी आपको एनलैप्स के एम्पलीफायर देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे SFT सर्किट बोर्ड के साथ इजीली जो आफ्टर मार्केट सर्विस सेंटर होते हैं वहां से भी रिपेयर करवा सकते हैं। यही अगर आपको सर्विस सेंटर, यहां पे आपको सर्विस सेंटर भी इसके पे मिल जाता है, यानी एनलैप्स की तरफ से आपको सर्विस सेंटर भी अवेलेबल कराया जाता है, यानी 48 आवर के अंदर अंदर आपको एम्पलीफायर ठीक करके दे दिया जाएगा। तो उसकी भी डिटेल में दे दूंगा यहाँ पे सर्विस सेंटर कहाँ है कैसे है। और यहीं अगर मैं कुछ और डिटेल के बारे में बात करूँ, और यहीं बात करूँ यहाँ पे जो वर्किंग वोल्टेज है, यानी कितने से कितने वोल्टेज पे ये दोस्तों काम करेगा, तो यहाँ पे ये काम करता है दोस्तों 190 से लेके 263 वोल्टेज एट 50 और 60 हर्ट्ज दोनों पे काम करेगा। तो यहाँ पे जो आपको लाइव में, यानी ज़्यादातर आप देखते होंगे लाइव में अगर वोल्टेज की प्रॉब्लम के कारण आपको जो साउंड होता है वो कभी कभार बैठ जाता है, कभी कभार उठ जाता है, यानी अपने आप अप एंड डाउन साउंड आपको देखने को मिलता है। वो बेसिकली होता क्या है, वो यही होता है कि दोस्तों जो वोल्टेज होता है एम्पलीफायर अगर प्रॉपर वोल्टेज पे काम नहीं कर रहा है तो वो या तो कम ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके अंदर यानी जो सर्किट्स हैं यहाँ पे, जो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं, और यहाँ पे इस एम्पलीफायर को ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि ये लो से लो, यानी 190 से लो 263 यानी हाई से हाई वोल्टेज पे भी काम करेगा 50 और 60 हर्ट्ज पे। तो यानी स्टेबिलिटी बिल्कुल आपके बिल्कुल मक्खन की तरह बनी रहेगी, यहाँ पे कोई भी आपको गड्ढे नहीं देखने को मिलेंगे, यानी साउंड में बिल्कुल भी आपको मतलब जो खरखराहट सी होती है यहाँ पे, अगर आप लाउड जाएं तो यहाँ पे लो वोल्टेज में जो होती है वो आवाज़ फटने से लग जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके अंदर मुझे ये खासियत लगी, यानी एनलैप्स के जितने भी अभी आप अपने अभी एम्पलीफायर देखे हैं यहाँ पे, मैंने भी जो भी यूज़ करें, तो सब में ये चीज़ मुझे एक जो मेन पॉइंट लगा बिल्कुल सब में सेम है कि स्टेबिलिटी आपको बिल्कुल मक्खन की तरह मिलती है। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी टेस्टिंग की, तो यहाँ पे टेस्टिंग मैं कैसे करने वाला हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो करने वाला हूँ यहाँ पे ड्यूल के बेस पे, यानी मेरे पास अभी तो 2400 वाट की बेस है, लेकिन मैंने इसके लिए स्पेशल यहाँ पे 2000 वाट के स्पीकर मंगाए, यानी 4000 वाट की ड्यूल की बेस एक चैनल पर डालूंगा, दूसरे पर मैं यहाँ पे 2 1200 वाट के टॉप डाल के इस पर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, यानी टॉप मेरे पास इससे हैवी है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे अंदाजा के लिए यहाँ पे आपको 2 टॉप यानी 2400 वाट टोम्स पे चला रहा हूँ, लेकिन ये निकलता है 4000 वाट। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी हम टेस्टिंग देख लेते हैं कैसी टेस्टिंग रहने वाली है इसकी, चलिए टेस्टिंग देखें। यहाँ पे टेस्ट करेंगे अपने एम्पलीफायर को, और एम्पलीफायर में मैंने क्या क्या जैसे डाला आपको पता ही, यहाँ पे सिंगल मैंने बेस डाल दिया 4000 वाट की, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये 4000 वाट की बेस डाल रखी है, इस पर 2000 रुपये के 2 स्पीकर हैं, और यहाँ पे हमारे 1200 वाट के 2 टॉप हो गए, यहाँ पे ये देख सकते हैं 2 1200 वाट के टॉप हो गए। तो होम पे चला रहा हूँ टॉप को, और इस वाले चैनल पे मैंने टॉप डाल रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इस वाले चैनल पे मैंने बेस डाल रखी है, तो बेस वाले को तो मैंने फुल कर दिया है, और यहाँ पे टॉप वाले को मैंने इतना रखा है क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे 2 ओम्स पे कितना दे रहा है, तो यहाँ पे मेरा हो सकता है स्पीकर ब्लोइंग हो जाए, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल कम कर रखा है। वैसे तो मैं फुल करके ही चलाता हूँ, लेकिन इस एम्पलीफायर के साथ बिल्कुल मैंने अभी बिल्कुल सख्ती लेके चलना हूँ अपने टॉप के साथ कि मेरे टॉप ना उड़ जाए। चलते हैं यहाँ पे, मैं अभी गाना आपको प्ले करके दिखाता हूँ और इसकी टेस्टिंग भी दिखाता हूँ।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी आपको ये टेस्टिंग, और मेरी उम्मीद से बढ़ के निकला। यानी मैंने अभी तो इस पर 4000 वाट का लगाया है, तो यहाँ पे बिल्कुल से बिल्कुल कहीं भी मुझे कम नहीं लगा पावर में। और यहाँ पे बाकी जो टॉप थे वो तो 2 ओम्स पे मतलब छोटे थे इसके लिए, तो यहाँ पे टॉप से लेके यहाँ पे बेस तक दोनों के दोनों अच्छे वर्क कर रहे थे। पंच जो था वो काफ़ी अच्छा था, यानी जो आप कहते हैं ना, जब डीजे पे अगर मेरे भाई कोई डीजे चलाता होगा, अगर वो रिमिक्स करता होगा लेफ्ट राइट पे, तो कोई ना कोई एम्पलीफायर, यानी कोई ऐसा एम्पलीफायर आपने देखा होगा कि आप जब मिक्स करते हैं तो एम्पलीफायर बैठ से जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे डीजे से लेके लाइव दोनों में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे पावर में कम नहीं लगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी एम्पलीफायर पसंद ही आया होगा, तो ज़रूर से नीचे कमेंट में बताएगा कैसा लग रहा है अभी तक आपको एम्पलीफायर। साथ ही साथ अब बात करते हैं यहाँ पे परचेज कहाँ से करें, प्राइस कहाँ से पता करेंगे, सर्विस सेंटर क्या है। और दोस्तों यहीं अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा HVN कंपनी के नाम से, फ़ोन नंबर भी आ रहा होगा, महुआ गुजरात में है, तो यहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। साथ के साथ प्राइसिंग भी अगर आपको डिटेल लेनी हो तो इसी नंबर पे आपको पता लग जाएगी। यही बात करूँ सर्विस सेंटर की, दोस्तों सेम एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपको सर्विस सेंटर देखने को मिलेगा। यही बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ तो देखने को मिल जाता है, बाकी BIS सर्टिफाइड है, यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट जब BIS मार्क देता है वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करता है इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं BIS मार्क के लिए उसको टेस्टिंग करके देता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड का मतलब बिल्कुल से बिल्कुल आँख बंद करके आप ले सकते हैं इस एम्पलीफायर को, और बिल्कुल से बिल्कुल दोस्तों मेरी तरफ से भी ये रिकमेंडेशन है आपको। तो आप हैवी से हैवी स्पीकर, यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल स्पीकर को भी इस पे चला सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर एक लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।